नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी एक खबर पर। बोकारो डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा के द्वारा तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के ऑडिट अंकेक्षण में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान डीआईजी श्री झा ने व्यवहार न्यायालय तेनुघाट में प्रतिनियुक्ति सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल से बारी बारी से बात कर जानकारी प्राप्त की। साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों के आवास में लगे सुरक्षा कर्मी एवं सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, पुलिस निरीक्षक महेश प्रसाद से ओपी प्रभारी आशीष कुमार को कई दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान श्री झा ने जिला जज प्रथम राजेश कुमार सिन्हा, ACJM विशाल गौरव, अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह SDJM रश्मि अग्रवाल के साथ भी न्यायालय परिसर में सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किए। व्यवहार न्यायालय परिसर सहित न्यायिक पदाधिकारियों के आवास CCTV कैमरा लगाने से संबंधित बातचीत की तथा चेक पोस्ट कई वर्षों से बने हुए थे उसे व्यवहार न्यायालय को सौंपने की बात कही। जजेज आवास परिसर का सभी क्षेत्रों का जो है हमारे डीआईजी बोकारो के द्वारा निरीक्षण किया गया, ऑडिट किया गया। ऑडिट में जो भी त्रुटि पाई गई है सुरक्षा से संबंधित, उन्होंने चिन्हित करते हुए निर्देश दिए हैं कि इसको अविलंब जो है इस सबको दूर किया जाए और निगरानी की सख्त यहाँ। सर, वो पुराना जो बना हुआ है वॉच टावर, क्या उनमें जो चालू नहीं हुआ है, कुछ काफी दिनों पूर्व बनकर तैयार है, क्या उन्हें भी प्रारंभ किया जाएगा? नहीं, वॉच टावर जो है उसको हैंड ओवर की प्रक्रिया अभी जो पूर्ण नहीं हुई है उसको हम लोग ये करके, सर का निर्देश भी हुआ था कि अविलंब उसको चार्ज लेने के लिए। अच्छा, जजेस क्वार्टर के पास क्या कुछ कैमरा वगैरह के इसके बारे में? हाँ, उसके बारे में भी है कि कैमरा का लोकेशन चिन्हित किया गया है, जल्द वहाँ कैमरा भी लगाया जाएगा और कुछ ड्रॉप गेट का भी निर्देश दिए हैं जिसका हम लोग आलू पालन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GVN 24 न्यूज।